हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि एकदम बढ़िया होंगे, है ना। तो आज बनाएंगे फ्रूट सैलेड। तो फिर यहाँ पर ना हमने काफ़ी सारे फ्रूट्स जो हैं ले लिए हैं, तो एक एक करके ना हम बात करते हैं इनके बेनिफिट्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं बनाना, केला। तो बनाना जो होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, जो कि कमज़ोरी को दूर करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है, और पोटेशियम भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। फिर है अनार। अनार में आयरन होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो कि खून की कमी को दूर करता है। फिर है सेब। सेब में ना पैक्टिन नाम का एक फाइबर पाया जाता है, जो कि दिल की बीमारियों का खतरा ना बहुत ज़्यादा हद तक कम कर देता है। तो सही कहते हैं, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। बिल्कुल सही बात है ये। फिर है यहाँ पर कीवी। कीवी में पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, केले से भी ज़्यादा पोटेशियम ना कीवी में होता है, और कैलरीज इसमें कम होती है, तो आपकी त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये, क्योंकि इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है और झुर्रियों को भी दूर करता है ये आपकी। फिर है हमारे पास चेरी। चेरी में ना एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, और नींद अच्छी प्रोवाइड करता है, और वजन घटाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फिर है बाबू गोशा, जिसको हम कहते हैं इंडियन पियर इंग्लिश में। इसमें विटामिन बी और सी पाया जाता है, आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है फ्रूट सैलेड खाने के लिए, तो ज़रूर खाना चाहिए फ्रूट सैलेड। फ्रूट सैलेड खाने से क्या होता है ना, आप बैलेंसली हर एक फ्रूट का जो टेस्ट है ना, वो इन्जॉय कर पाएंगे, फ्लेवर इन्जॉय कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने इन्हें काट के रख लिया है, ये देखिए। फिर ये सबसे पहले है बाबू गोशा, फिर ये है रेड वाला एप्पल, फिर है गोल्डन वाला एप्पल, फिर है बनाना, फिर है चेरी, फिर है अनार। इन महाशयों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई है छीले में। तो अब हम क्या करेंगे, इनको मिक्स कर लेते हैं बाउल में, ठीक है। एक बाउल हमने ले लिया है, उसमें हम सबको मिक्स करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर डाला है बाबू गोशा इंडियन पियर, फिर हमने यहाँ पर डाले हैं गोल्डन वाले एप्पल, गोल्डन वाले एप्पल के बाद हमने रेड वाले एप्पल डाले हैं, फिर बाद में हमने यहाँ पर डाली है कीवी। एक कीवी डाली है हमने गोल 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 काट कर, उसके बाद हमने यहाँ पे बनाना डाल दिया है। आप और भी कोई फ्रूट अगर ऐड करना चाहे तो वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। फिर यहाँ पर हमने डाले हैं अनार, अनारदाना डाल दिया है इसमें काफ़ी सारा। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे इसमें चेरी। अब चेरी को तो भाई काट नहीं सकते हैं ना, चेरी को ऐसे ही डालना पड़ेगा, तो चेरी डाल दी है हमने। और कुछ फ्रूट अगर आपको ऐड करने हैं तो वो भी ऐड कर लें इसमें। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक एज पर टेस्ट आप डालें, जितना भी आप खाना पसंद करते हो नमक इसमें डाल दें। उसके बाद आप ना इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल दें, आधे चम्मच के करीबन चाट मसाला इसमें डाल दें। क्या है ना कि खट्टे मीठे का बैलेंस हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब फ्रूट्स ना यार वैसे खाए नहीं जाते, अगर आप वैसे खाओ ना एक एक तो वैसे नहीं खाए जाते इतने, लेकिन फ्रूट सैलड बना के ना आप खाए जाते हैं ये, है ना, क्योंकि टेस्टी लगते हैं तो खाए जाते हैं, और हेल्दी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं तो भाई आप फ्रूट सैलड बना के दें उन्हें, तो वो भाई खाएंगे, ठीक है, क्योंकि टेस्टी लगेगा उनको तो ज़रूर खाएंगे। तो टेस्ट के पीछे तो वही दुनिया भाग रही है। तो ये देखिए हमारी वाली जो चाट है फ्रूट सैलड रेडी हो गया। तो आप भी ऐसे ही बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें। तो अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, बेनिफिशियल लगी है, तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।